हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम ग्रो करेंगे बॉटल गर्ड्स के सीड्स को। और लौकी के सीड्स ऐसे होते हैं दिखने में। लौकी को आप ग्रो कर सकते हैं फरवरी से लेकर अप्रैल तक, और उसके बाद में आप इसे जुलाई और अगस्त में भी ग्रो कर सकते हैं। तो लौकी को ग्रो करने के लिए मैं जो मीडिया यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 70% कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% परलाइट। और इसमें मैंने थोड़ी सी फंगीसाइड भी यूज़ की है। तो प्रत्येक रो के अंदर हम सीड लगाते जाएंगे। आप चाहें तो सीड लिटा कर भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस सॉइल के अंदर ही सीड को दबाते जाएं। सीड लगाने के बाद इनको हम थोड़ा थोड़ा सोइल से भी कवर कर देंगे। सोइल से कवर करने के बाद इसमें हम पानी देंगे। तो लौकी की सीडलिंग हमने कर दी है। अब इस सीडलिंग को आपको रखना है छाया में, और सुबह सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसे मिलनी चाहिए, और बाकी पूरा दिन इस पर छाया रहे। लौकी की सीडलिंग को लगाए हुए 6 दिन हो चुके हैं, और कुछ रो के अंदर अभी तक कोई भी जर्मिनेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी कुछ रो के अंदर अभी सीड जर्मिनेट ही हो रहे हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे हैं। लौकी को ग्रो किए हुए 9 दिन हो चुके हैं, और हमारे सारे सीड जर्मिनेट होके काफ़ी बड़े बड़े भी हो चुके हैं। और अभी तक हमारे एक सीडलिंग ने अभी तक सीड कवर नहीं छोड़ा है। और 2 रो के अंदर अभी तक कोई भी जर्मिनेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास काफ़ी प्लांट्स बन गए हैं। लौकी को ग्रो किए हुए 13 दिन हो चुके हैं। 2 रो को छोड़ करके बाकी सभी रो के अंदर हमारी सारी सीडलिंग जर्मिनेट हो चुकी है, और प्रत्येक सीडलिंग के अंदर अब 30 लीफ भी ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। और आज हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आज इसको हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इसकी रूट्स इस छोटी सी सीडलिंग ट्रे के अंदर ही बाउंड होकर मर जाएगी। और इसकी आप लीफ देखिए, ये ऊपर से हल्की हल्की वाइट होना भी स्टार्ट हो गई है। ये सिम्टम्स होते हैं कि अब इस सीडलिंग को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और एक बड़े पॉट की ज़रूरत है। और इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्पोजल कप, और इन डिस्पोजल में है नॉर्मल बालू मिट्टी, और इन डिस्पोजल में 1 वीक तक ये सीडलिंग रह सकती है। 1 वीक के बाद जब ये सीडलिंग थोड़ी और बड़ी हो जाए तो आप इसे कोई भी बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं। सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने से पहले सीडलिंग को हम बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, सीडलिंग की रूट्स बाउंड हो रही हैं नीचे से, तभी तो इसके ऊपर से ये इसकी लीफ वाइट वाइट हो रही है। कोई भी सीडलिंग के अंदर अगर उसकी रूट्स बाउंड हो रही हों और उनमें
तीसरी लीफ भी ग्रो हो चुकी हो और हल्का हल्का वाइट अगर आपको ये लीफ दिखे ऐसे, तो ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाती है। तो इसे ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, नहीं तो हमारी सीडलिंग इस सीडलिंग ट्रे के अंदर ही मर जाती है। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए इसकी सोयल के अंदर हम एक हॉल करेंगे। और सीडलिंग को डायरेक्ट इसमें लगा देंगे और सोइल से कवर कर देंगे। और सोइल को हल्का हल्का पुश कर देंगे ताकि हमारी सीडलिंग स्टेबल हो जाए, एक तरफ झुके नहीं, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सेकेंड सीडलिंग को भी बाहर निकाल लेते हैं। जब भी आप सीडलिंग को बाहर निकालें, बिल्कुल हल्के हाथ से निकालें, सीडलिंग टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए इसकी भी रूट बाउंड हो रही हैं। घिया बहुत ही स्पीड में ग्रोथ करता है, तो इसे बड़ा ग्रो बैग दीजिए और जल्दी ग्रो कीजिए। सोइल को हल्का सा पुश कर देंगे तो सेकंड सीडलिंग को भी हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है। ट्रांसप्लांट करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी अभी बिल्कुल थोड़ा ही देना है, अगर ज़्यादा पानी हमने दे दिया तो सीडलिंग एक तरफ झुक जाएगी, जैसे ये अभी झुकी है। तो आप इसे वापस से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लौकी की सीडलिंग लगा सकते हैं, सीडलिंग को आप बीज से ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो इसे ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, तो आप भी बीज से घिया को ग्रो कीजिए और इसे फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। तो घिया में आप हर 10-10 दिन में जो आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।